एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में अब एमएलसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां आज से विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन होगा। 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद के चुनाव हैं। यूपी में अब एमएलसी चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च है। विधान परिषद की 36 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां आज से शुरू हो रही हैं। आज नामांकन का दिन है, आज विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो रहा है। 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद के ये चुनाव है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला से। अनुभव, बताएं कि अभी विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और अब एमएलसी के चुनाव शुरू हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इसके लिए पार्टियों की? देखिए, बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, परिणाम भी आ गए हैं और विधान परिषद के ये जो चुनाव है, देखिए ये द्विवार्षिक चुनाव होते हैं और अगर हम कहें तो 35 निर्वाचन क्षेत्र हैं जो स्थानीय निकाय के, उसमें कुल 36 सीटें हैं, एक जगह पर 2 सीटें हैं, तो उसके लिए ये चुनाव होना है। ये हालांकि पहले ही होने थे, पर चूंकि तब विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, ऐसे में राजनीतिक दलों ने रिक्वेस्ट की चुनाव आयोग से, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 15 तारीख से, जो 22 मार्च तक चलेगी और उसके बाद 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, 12 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। हर एक दल की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। अभी जो सीटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के अगर हम कहें तो सदस्य हैं और बीजेपी अभी विधान परिषद में बहुमत में नहीं है, इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि ये जो 35 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएँ। क्यों? क्योंकि विधानसभा में उसके पास पर्याप्त नंबर हैं, उसके पास अपने ही 255 विधायक हैं, सहयोगी के साथ 273 उसकी संख्या है, जबकि विधान परिषद में संख्या नहीं है, अभी वो बहुमत से पीछे है। इसीलिए कोशिश ये है और लगातार हमने देखा 2 दिनों से मंथन इसी पर हो रहा है, कल भी इस पर मंथन हुआ और बीजेपी ने लगभग जो उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने जो मंथन किया है, कोर कमेटी ने, कोर ग्रुप ने, वो पूरा फाइनल कर लिया और एक लिस्ट जो है वो आज भेजी जाएगी दिल्ली और वहीं से आला कमान जो है वो फाइनल लिस्ट को ओके करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए।